रांची पुलिस को अपने आला पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से शहर को नशा मुक्त करने को लेकर दिशा निर्देशित किया गया है और इसी के तहत राजधानी रांची में प्रशासनिक महकमा के द्वारा नशा के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रांची में इसी अभियान के तहत शहर के पोष इलाके अशोक नगर के पास से एक ड्रग्स के व्यापार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी रांची के अपने कार्यालय कक्ष में सिटी एसपी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की विस्तृत जानकारी दी है। सिटी एसपी ने बताया कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले याकूब अंसारी पिता अयूब अंसारी को रांची शहर के अशोक नगर से लगभग 30 पुड़िया ब्राउन शुगर वजन 2.3 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी की संलिप्त इस धंधे में काफी पुरानी समय से रही है। इसकी गिरफ्तारी के बाद इनसे जुड़े सिंडिकेट की भी जानकारी पुलिस को लगी है। इस विषय में कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराधी के पूछताछ पर पता चला है कि युवा वर्ग से प्रत्येक पुड़िया पर मोटी रकम की वसूली की जाती रही है। एक व्यक्ति पकड़ा गया है, क्या है ये पूरा मामला? जैसा कि आप जानते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है सभी थाना प्रभारियों को एक टास्क दिया गया है कि रांची शहर में ड्रग्स के खिलाफ में एक अभियान चलाना है और इस आलोक में सभी थाना प्रभारियों को कठोरतम कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस आलोक में अरबुड़ा थाना प्रभारी और हटिया डीएसपी के द्वारा जो है कल एक रेड का आयोजन हुआ और उस आलोक में एक ड्रग्स बेचते हुए एक व्यक्ति को जो है अशोक नगर गेट नंबर 4 पर इसे गिरफ्तार किया गया है। इसकी विधिवत रूप से जब सर्च किया गया तो इसके पैकेट से 30 पुड़िया ब्राउन शुगर हम लोगों ने बरामद किया है जो लगभग 2.3 ग्राम जो है इसका वजन है और यह काफी पहले से जो है यह अपराधी जो है वह ये इस धंधे में लिप्त रहा है। इनसे पूछताछ करने पर हम लोगों को इसकी सिंडिकेट के बारे में भी पता चला है जिस पर काम करने का निर्देश मेरे स्तर से थाना प्रभारी को दिया गया है। यह अपराधी का नाम है याकूब अंसारी, इनके पिता का नाम है अयूब अंसारी, ये कलाल टोली लोअर बाजार के रहने वाले हैं। इनके द्वारा इनको पूछताछ करने पर ये स्वीकार किए हैं कि ये जगह जगह पे जाकर के जो ब्राउन शुगर के आदि लोग हैं उनको ये बेचा करते हैं और इनसे जो है प्रत्येक पुड़िया पर जो है एक मोटी रकम युवा वर्गों से वसूल किया जाता है। फिलहाल अभी इनके जब इनसे काफी पूछताछ की गई तो पता चला कि ये पूर्व में भी डोरंडा से ये जेल जा चुके हैं और ये रंगदारी के मामले में जेल गए हैं। अर्थात ये है कि जब इनको ड्रग्स बेचना है तो ड्रग्स बेचते हैं, यदि किसी से रंगदारी मांगनी है तो रंगदारी भी मांगने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसलिए अरगोड़ा थाना के द्वारा इनके सिंडिकेट पर काम करने का निर्देश दिया गया है। आगे भी इन पर कार्रवाई भी जारी रहेगी। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश स्पष्ट है कि रांची शहर में जहां भी ड्रग्स की कोई बेचने की सूचना प्राप्त होती है तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। जिन व्यक्ति के द्वारा जिसके बारे में बताया गया है उस पर भी कार्रवाई के लिए हम लोग टीम बनाए हुए हैं। टीम में हमारा हटिया डीएसपी है और अरगोड़ा थाना प्रभारी है, साथ में इनके साथ में कनीय पदाधिकारी अनिमेश हैं, संजय हैं और आकाश कुमार हैं। ये 3-5 लोगों की एक टीम थी जिसके द्वारा ये कार्रवाई की गई।